मिठी बाणी सफलता दा महान नुक्ता। लेखक स्वेट मार्डन। प्रसिद्ध विद्वान सोलोमन दा कथन है कि मिठी बाणी उस शहद दे समान है जो आत्मा नू मधुर लगदा है अते हड्डियां नू स्वस्थ रखदा है। सोलोमन दा ए कथन अखर अखर सच है। मिठी बाणी वास्तव विच शहद दे समान है। शहद खाण विच मिठा लगदा है। उस दी मिठास मन नू मिठास नाल भर देंदी है। तन मन प्रसन्न हो जांदे हन। आत्मा तक तृप्त हो जांदी है। सेहत दे लई वी शहद उत्तम है। शरीर नू तंदुरुस्त बनाउंदा है। इसे प्रकार बाणी दी गल है। बाणी जे मिठी है तां उह तुहाडे कन्नां विच मिठा रस घोल दिंदी है। कन ऐसी इंद्री है जो शब्द दा ज्ञान करौंदी है। मिठी बाणी इस इंद्री दे द्वारा जदों मन नू शब्दां दा ज्ञान करौंदी है तां मन प्रसन्न हो जांदा है। मन दे प्रसन्न होण नाल संपूर्ण स्थूल शरीर भी प्रसन्न हो उठता है। संपूर्ण शरीर दी प्रसन्नता नाल आत्मा नू भी सुख मिलदा है। शरीर जदों सारे अंगां विच सुख दा अनुभव करदा है तां सेहत बनदी है, क्योंकि प्रसन्नता अते आनंद दा शरीर दी तंदुरुस्ती उत्ते बहुत प्रभाव पैंदा है। चिंतित व्यक्ति कदे तंदुरुस्त नहीं रह सकदा। चिंता तां चित नू जलाउंदी है। जिस प्रकार चिता विच मरिया होया शरीर जलाउंदे हां, इसे तरह ही चिंता जीवित शरीर नू जला सुटदी है। किसी अजिहे व्यक्ति नू तुसीं देखो जिस नू हर समय चिंता सताउंदी रहिंदी है। शरीर सुक के कंडा हो जांदा है। चेहरा पीला हुंदा है। टंगां विच दम नहीं हुंदा। उह ढांचा मलूम हुंदा है। यह सब चिंता नाल हो जांदा है। अते चिंता दा कारण कोई थोड़ जां कष्ट होया करदा है। थोड़ अते कष्ट दूर करन दा एकमात्र तरीका यही है कि मनुख अपने सद विहार सचित्र अते मिठी बाणी दी शक्ति नाल धर्म अनुसार धन कमाउंदा रहे। मिठी बाणी बोले अते मिठी बाणी ही सुने। जिस प्रकार खूह विच बोलण नाल गूंज सुनाई दिंदी है, अपनी ही आवाज़ सुनाई दिंदी है, उसे प्रकार तुसी मिठी बाणी बोलदे हो तां दूसरे भी तुहाडे नाल वैसी ही बोली विच गल्लां करनगे। तुहानू बदले विच उही मिलदा है जो तुसी दिंदे हो। एक विद्वान दा कथन है कि मिठी बोली नाल संसार सुखी हो उठता है। समाज दी इकाई मनुख है। मनुख ही मनुख नाल बोलदा है। एक मनुख दूसरे नाल मिठी बाणी विच गल करदा है। सुनण वाला भी प्रसन्न हुंदा है अते बोलण वाला भी। सुनण वाला अनेक जगह उस दी मिठी बाणी दी प्रशंसा करदा है, जिस नाल बहुतियां नूं मिठा बोलण दी प्रेरणा मिलदी है। ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਕਿਤੇ ਮਧੁਰਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਹੂਸ ਅਤੇ ਕਮਬਖਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਧਰ ਮਨਹੂਸੀਅਤ ਹੀ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਹੂਸੀਅਤ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਿਰਣਾ। ਸਵਿਫਟ ਨਾਮਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਧੁਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਮਕ ਦਮਕ। ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਦਾ ਕਥਨ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
मधुर बाणी नाल किसी नूं भी वस विच कीता जा सकदा है। वपार, उद्योग, नौकरी जां होर कोई भी काम होवे, जे काम करन वाला मिठा बोलन वाला है तां उस दी सफलता निश्चित है। उस नूं फिर कोई भी उच्चा उठण तों नहीं रोक सकदा। तुसीं देखिया होएगा कि वपार विच उही लोग जल्दी अगे वधदे हन जिन्हां दी बाणी विच मिठास है। नौकरी विच उह लोग जल्दी तरक्की करदे हन जो अपनी मिठी बाणी नाल अपने अधिकारी वर्ग अते मात हत्थ नूं प्रसन्न रखदे हन। उन्हां एजेंटां नूं अक्सर ज़्यादा आर्डर मिलदे हन जो मिठा बोलदे हन। मनोहारी सुभाअ अते विनोदी सुभाअ तां सफलता दी आत्मा है। तुसीं एक चीज़ होर देखी होवेगी कि जो लोग उच्ची बोलदे हन उह सब जगह झगड़दे देखे जांदे हन। कारण यह है कि कठोर अते बेसुर बाणी नाल लोकां नूं हर जगह ही घृणा हुंदी है। उह कोई गल चंगी भी कहणगे तां वी बुरी ही लगेगी। पंछियां विच एक पंछी है कोयल। यह काला पंछी देखण विच बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, फिर भी यह कोयल नामक पंछी आवाज़ के मामले विच सराहया जांदा है। मनुखां विच मिठी बाणी वाले नूं कोयल वर्गी आवाज़ वाले कहिंदे हन। कई मधुर आवाज़ वालियां गायकावां नूं कोयल जां कोयल कंठी कह के पुकारिया जांदा है, क्योंकि उन्हां दी आवाज़ विच कोयल दी तरह मिठास हुंदी है। एक पंछी कां वी है, वेखण विच कोयल नाल मिलदा जुलदा, परंतु आवाज़ विच एकदम उल्टा। कां बड़ा ककर्ष अते भद्दा बोलदा है, उस दी बाणी विच जरा भी रस नहीं हुंदा। यही कारण है कि मनुख लोकां नूं कां दी बाणी पसंद नहीं है। कां किसे दा कुछ खोंदा नहीं है अते कोयल कुछ देंदी नहीं है, फिर भी जग कोयल दा दीवाना है। इस दा कारण बाणी है। मधुर बाणी नाल कोयल जग नूं अपना कर लैंदी है। तुसीं भी कोयल दा मार्ग चुनो, कोयल दी तरह मिठा बनो। तुसीं देखोगे कि लोग तुहानूं पसंद करदे हन। तुहाडी मधुर बाणी तुहाडी लोकां विच पहचान बनाएगी, तुहाडी शाख वधाएगी, तुहाडे विगड़े काम सवारेगी। तुसीं सफलतावां प्राप्त करोगे, फिर तुसीं की नहीं कर सकोगे। तुसीं जिस चीज़ की भी इच्छा करोगे वह तुहानूं मिलदी चले जाएगी। संसार प्रसिद्ध लिखतां नूं पंजाबी बोली विच सुन लई पंजाबी बुक हाउस चैनल सबसक्राइब करो।